वाली हूँ खीरे की कढ़ी। खीरे का रायता आप लोगों ने बहुत बार खाया होगा, लेकिन आज मैं खीरे की कढ़ी बनाना बताऊंगी। खाने बहुत ही टेस्टी लगती है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। खीरे की कढ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधा बाउल फेटा हुआ दही, एक कटोरी बेसन, एक कटा हुआ खीरा। खीरे को मैंने अच्छे से पानी से धो लिया, उसके बाद छीलने के बाद इसे मैंने कद्दूकस कर लिया। हरा धनिया, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच जीरा और एक लाल मिर्च तड़का लगाने के लिए, दो हरी मिर्च और करी पत्ता, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, दो पिंच हींग और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने खीरे को एक प्लेट में निकाल लिया है और इसका पानी भी निकाल लेंगे निचोड़ कर। इस बाउल में हम पानी इसका निकाल लेंगे। यहाँ पर खीरे का पानी मैंने निकाल लिया, आप देख सकते हो, और खीरे को मैंने एक बाउल में डाल दिया। अब हम इसमें सारी चीजें मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसन डालेंगे, इसका आधा बेसन हम इसमें डाल देंगे से हम घोल बनाएंगे कढ़ी बनाने के लिए, और नमक टेस्ट के अनुसार। काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर आधा चम्मच और एक पिंच हम डालेंगे को हम मिक्स कर लेंगे और इसी खीरे के पानी से हम इसे मिक्स करेंगे अगर जरूरत होगी तो। इसे हम हाथ से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके हम डालेंगे क्योंकि खीरे में पानी ऑलरेडी हमने निकाल दिया है। अगर हम निकालते नहीं तो फिर बैटर हमारा गीला हो जाता। तो अब हम इसमें डालकर इसको फेंट लेंगे। थोड़ा सा बैटर हम और पतला करेंगे, बहुत ज्यादा हमें पतला नहीं करना है। बैटर को अच्छे से हमने फेंट दिया है। इसको 2 मिनट के लिए हम ढककर रख देंगे और आप देख सकते हैं इतना पानी हमारा बच गया है। और इसका घोल बनाने के लिए हमने बेसन लिया है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा बेसन हमने छोड़ दिया है। तो जिस हिसाब से हम कढ़ी बना रहे हैं उसी क्वांटिटी में हम बेसन लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से हम आपको कढ़ी बनाना बताएंगे। तो इसका घोल तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे दही लिया है, थोड़ा थोड़ा दही डालकर हम घोल तैयार करेंगे। एक साथ हम दही नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। यहाँ पे मैंने सारा दही डालकर घोल तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं घोल में बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़े हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हमने उस वाले बैटर में भी डाला है तो इसमें हम थोड़ा ही डालेंगे, और काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसमें 1 ग्लास पानी डालेंगे और ये घोल हमारा बनकर तैयार हो गया है। और बाकी अगर हमें लगेगा पानी कम है तो पानी इसमें हम 1 ग्लास और डालेंगे। तो अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस पे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम छोटी छोटी पकौड़ियाँ इसमें डालकर फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, आपने खीरे का रायता तो कई बार खाया होगा, लेकिन खीरे की कढ़ी आप जरूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है और आई एम श्योर आपको जरूर पसंद आएगी।
पकौड़ियाँ आराम से इसमें आ जाएंगी उतनी हम डालेंगे और बाकी पकौड़ियाँ हम दूसरे राउंड में डालेंगे। पकौड़ियाँ में एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इन्हें पलट देंगे। पकौड़ियाँ एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तो एक फॉक चम्मच से हम इन्हें धीरे धीरे पलट देंगे। पकौड़ियाँ दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे और ज़्यादा लाल हमें नहीं करनी है और इसी प्रोसेस में हम बाकी बची हुई पकौड़ियाँ भी फ्राई कर लेंगे। सारी पकौड़ियों को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है, अब हम कढ़ी बनाएंगे। तो कढ़ी बनाने के लिए मैंने पैन जमा दिया और इसमें एक चम्मच तेल डाल दिया। तेल गर्म हो जाएगा तब हम सारी चीज़ें इसमें डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें जीरा डालेंगे और करी पत्ता। करी पत्ता थोड़ा सा चटकते हैं लेकिन डोंट वरी, बाद में सही हो जाएंगे। और चीनी डालेंगे इसमें, हरा मिर्च, सारी चीज़ों को हम चला देंगे। और अब हम ये बैटर इसमें डाल देंगे। बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि कढ़ी का दही फट जाता है, लेकिन अगर फ्रेंड्स आप इस ट्रिक से बनाएंगे तो दही बिल्कुल भी नहीं फटेगा और कढ़ी बहुत ही अच्छी और परफेक्ट बनकर तैयार हो गई। सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी इसमें मिक्स कर दी थी, नमक हल्दी सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया था। तो अभी हम इसमें पानी थोड़ा सा और डालेंगे, तो यहाँ पे एक गिलास पानी हमने और लिया है। कढ़ी में सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया है, अब एक उबाल आने के बाद हम इसमें कढ़ी पकौड़े डालेंगे। एक बाल आ गया, हम इसे चेक करेंगे, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें पकौड़े डालेंगे। फ्रेंड्स एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब पकौड़े बनाना है तो पकौड़े सॉफ्ट हों तभी कढ़ी बहुत अच्छी परफेक्ट बनकर तैयार होती है। अगर पकौड़े टाइट होंगे फिर कढ़ी अच्छी नहीं लगेगी। तो गैस के फ्लेम को हमने लो टू मीडियम रखा है और इसे हम 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। परफेक्ट तैयार है, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कढ़ी बनकर तैयार है। अब हम धनिया से थोड़ी सी गार्निश कर देंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और सर्व करने के लिए हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। कढ़ी को बाउल में निकालने से पहले हम लगाएंगे कढ़ी में तड़का। तो तड़के के लिए मैंने पैन में 2 चम्मच तेल डाल दिया। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम इसमें जीरा और लाल मिर्च का तड़का लगाएंगे। अब हमारी कढ़ी बिल्कुल रेडी है। खीरे की कढ़ी बनकर तैयार, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। फ्रेंड्स एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। सो फ्रेंड्स आपको हमारी यह रेसिपी